Hello guys, this is my channel Pratikrit Ghosh and today I will show you how you can play the song Tip Tip Barsa Pani from Suryavanshi and the earlier was Mohura. ये जो गाना है दोस्तों F minor पे है और आज मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको बजा सकते हैं और इसका जो टैब है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा और अगर कोई भी गाने का रिक्वेस्ट होगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो मैं कोशिश करूंगा देने के लिए और आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉलो कीजिएगा शेयर आप कीजिएगा तो लेट्स गो दोस्तों पहले जो इसके इंट्रो पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार दोस्तों वो बजाएंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 6 नंबर फ्रेट से और 1 नंबर स्ट्रिंग के 3 नंबर फ्रेट पे यहाँ पे स्ट्रोक करेंगे 3 बार इसके बाद यहाँ पे बजाएंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 4 नंबर फ्रेट पे यहाँ पे इसके बाद आएंगे स्ट्रिंग नंबर 3 के 5 नंबर फ्रेट पे फिर रोकेंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 4 नंबर फ्रेट पे ये वाला पार्ट 3 बार होगा इसके बाद आएंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 6 नंबर फ्रेट यहां पे स्ट्रिंग नंबर 1 के 4 एंड 3 ठीक है दोस्तों तो एक साथ बजाएंगे तो कैसा होगा यहां पे हैमर कर सकते हैं आप लोग का विल है अगर आप हैमर करेंगे तो अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा ये भी करने से चलेगा और यहाँ पे एक हैमर होगा 4 एंड 3 पे अभी देखिए दोस्तों इसका जो हमिंग वाला पार्ट है स्ट्रिंग नंबर 2 पे बजाएंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 9 नंबर फ्रेट से ठीक है दोस्तों इसके बाद अभी ये हमिंग वाला पार्ट जो है वही पार्ट स्ट्रिंग में बजेगा मतलब वायलिन में बजेगा वो कहां से बजाएंगे फिर से हम यहां से बजाएंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 9 नंबर फ्रेट से इसके बाद हम स्लाइड लेंगे स्ट्रिंग नंबर 2 के 11 से 14 तक इसके बाद तो एक साथ बजाएंगे तो ऐसा होगा फिर से स्ट्रिंग वाला पार्ट अभी दोस्तों इसका जो सॉन्ग वाला पार्ट है वो बजा लेते हैं ठीक है तो कैसे बजाया स्ट्रिंग नंबर 2 के 9 स्ट्रिंग नंबर 2 के 10 यहां पे हैमर करेंगे स्ट्रिंग नंबर 1 पे 8 एंड 9 पे ठीक है अभी देखिए दोस्तों इसका जो बाद वाला पार्ट है ये वाला पार्ट क्या करेंगे देखिए दोस्तों ठीक है दोस्तों अभी देखिए दोस्तों उसका जो स्ट्रमिंग वाला पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार कौन सा कॉर्ड लगेगा पहले एक बार देख लेंगे तो लगेगा क्या एफ माइनर सी शार्प मेजर डी शार्प मेजर जी शार्प इसके बाद बी फ्लैट मेजर इसके बाद सी माइनर तो यही सब कॉर्ड से हो जाएगा पूरा गाना दोस्तों
और देखते हैं उसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अभी देखिए दोस्तों उसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो एक बार बजा लेता हूँ, देखिए। फिर आएगा सी शार्प मेजर। अभी देखिए इसके साथ जो कॉर्ड जाएगा ना वो पहले वाला वीडियो पे दिया हुआ है, पहले जो एकदम शुरू में जो वीडियो है उसके साथ साथ देखिएगा कॉर्ड चेंज किया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रमिंग दिखा रहा हूँ, देखिए। सी शार्प तो स्ट्रमिंग कैसे बजाएंगे, डाउन अप अप डाउन अप डाउन 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 डाउन अप अप डाउन अप दर 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 दर। अभी देखिए हमिंग वाला पार्ट बजा लेते हैं, F माइनर सी शार्प मेजर। यहाँ पे डी शार्प हाफ लगेगा और सी शार्प हाफ। तो अभी गाने पे आते हैं दोस्तों, कैसे बजाएंगे। टिप टिप बरसा पानी डी शार्प। फिर आएगा इंट्रो वाला पार्ट, वो जो डारा 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 डारा। इसके बाद गाने पे फिर से आ जाएंगे। हाफ लगेगा जी शार्प, हाफ लगेगा डी शार्प। जल उठा मेरा भीगा बदन। तो पूरा गाने पे दोस्तों यही वाला स्ट्रमिंग पैटर्न जाएगा और आशा करते हैं कुछ आप लोग इससे कुछ सीख पाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग जरूर लिखिएगा कौन सा गाना आप लोगों को चाहिए, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।